हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। और अभी मैं आ गया स्विमिंग करके, चट करके बिल्कुल तुरंत। और साथ में है मेरा दोस्त यार, रुका यार। हेलो गाइस, हाउ आर यू गाइस। और अभी हम छोले की पूरी खा रहे हैं, स्विमिंग करने, स्विमिंग करके हम आ गए कुछ खाने। और मेरे बाल देख सकते हो सेट हो ही नहीं रहे क्योंकि मैं स्विमिंग करके आया हूँ जस्ट चुपचाप। और ये देखो भैया ने बना रहे हैं, बढ़िया मेरी वाली। अब ये डाल दी मस्त कचौड़ी, तो सुबह सुबह दर्द होना यही नाश्ता मिलता है। ले लेते हैं हम। कैसी है भाई? ठीक है, तो चलो अब खाते हैं गाइस। कचौड़ी खा के निकल गए तुरंत दोनों, बाल बनाते हुए सेट। लेकिन बन नहीं रहे बाल, बाल नहीं बन रहे भाई। अब जाएंगे कुछ और खाने। अब देखते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ देहरादून में क्या क्या मिल सकता है नाश्ता सुबह के लिए। तो वैसे तो मैं 6 बजे भी निकला हूँ, 6 बजे तो यहाँ पे कोई नामो निशान ही नहीं होता किसी चीज़ का। तो अभी बज रहे हैं 8:15। पहले हमने खाया सबसे पहले कचौड़ी, और अब सबसे कतलंबे, अब फेमस चीज़ खाएंगे यहाँ के कतलंबे। कम से कम जो 100 साल पुरानी दुकान है जो कतलंबे की, यहाँ पे बहुत फेमस है। मेरे दोस्त की है वैसे वो तो वहाँ पे चलते हैं एक बार और वो खवाते हैं। चलो लेट्स गो। तो गाइस आ गए हम दूसरी लोकेशन पे, जो मैंने बताया बहुत ही फेमस दुकान है। अभी अभी भीड़ नहीं है क्योंकि 8:15 अभी खोली होगी भैया आपने, अभी स्टार्ट किया खाना जी। तो 8 बजे कितने बजे खुलते हो वैसे? 7:30 बजे। और वैसे भैया नहीं जानते होंगे लेकिन मेरे दोस्त ही है दिव्य सेठी, उनकी दुकान है, तो प्लीज़ विजिट ज़रूर करना। सेठी कतलंबे छोले वाले, एंड आपको वैसे बहुत फेमस है, मिल जाएंगे कहीं। ये कोतवाली के बिल्कुल सामने है, और जहाँ पे बुक्स की दुकान भी है उनके सामने ही है वहाँ पे। तो अभी ट्राई करते हैं अब यहाँ का, तो सेकेंड एंड उसके बाद देखते हैं क्या मिलेगा आज ब्रेकफास्ट में। देखो ये बन रहा है छोले भटूरे के मामा, या जो भी बोल सकते हैं हम उसको, भटूरे का बोलते हैं कतलंबे। और ये मेकिंग हो गई हमारी प्लेट तैयार, थैंक यू सो मच भैया। चलो तो फेल बताएगा कैसा लग रहा है। चलो भाई लेना पड़ेगा अपने को ना, कोई बात नहीं। आप खा के बताओ पहले कैसा लग रहा है। हरी मिर्च कैसा, खा के बताओ। और ये डाला प्याज, छोले कल डालेगा क्या? छोले कल छोले आने रहेगा। और ये छोले आए, और कैसा जायका है? है कुछ बढ़िया, अच्छा है। चलो गाइस मैं भी खा के बताता हूँ आपको। गाइस दूसरा नाश्ता भी हमारा डन हो गया, कतलंबे छोले। तो था बढ़िया था यार, मतलब मैं सच बताऊँ पूरे देहरादून में सबसे लाइटेस्ट कतलंबे छोले अगर आपको खाने हैं ना, आपके पेट में जब ज़्यादा ऐसा पता न चले तो यहाँ आके खा लो। बाकी हर जगह बहुत ज़्यादा ऑयली एंड वैसा रहता है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, अब पियेंगे हम। खा लिया, अब थोड़ा सा पी लेते हैं चाय। और क्या खाएगा चाय के साथ? फैन, चाय और फैन खाने चलते हैं। चलो गाइस एक बहुत पहले से हम जाते हैं उन भैया के पास भी, तो शायद आज शायद हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं शायद, लेकिन अगर वो खुले होंगे तो चलते हैं वहाँ पे चाय और फैन खाते हैं। चलो इस तीसरी जगह आ गए और स्वेल ऑर्डर देते रहे चाह। और दूसरी चीज़ क्या बोल रहा था तुम? चाय चुदू। तो भाई देखो फैन जो होता है ना, आप चाय में डालो ख़त्म, तो इसलिए सुहेल ने नया नाम रखा तो चाय चोदू। तो अभी हम आ गए चलो तीसरी जगह चाय पीने। चाय भी ज़रूरी भाई, सुबह सुबह चाय पियेंगे। और गुड़ का खाना है तो आपको गुड़ का भी खा सकते हो, सिगरेट सुगरेट सब मिल जाएगी। तो सुबह सुबह जिसको जो करना है वो कर सकता है, लेकिन हम तो नहीं करते। तो हम पहले पियेंगे चाय, मस्त एकदम कांच के गिलास में। कांच के गिलास में आ गई भैया चाय। अरे चाय आ गई यार, चाय चोदू कर लेंगे। तो चलो गाइस अब फैन भी खाते हैं, फैन भी लेते हैं। गाइस ये लिया हमने केक रस, और चाय में डालेंगे। और सुहेल भाई फिर से बताओ केक रस चाय बढ़िया है ना? ठीक है, एक नंबर। तो चलो अब ये खाते हैं, हमने डुबा दिया केक रस इसमें, अब खाते हैं। बात है भाई केक रस में। तो वैसे ऐसे कोई भैया की दुकान का नाम नहीं है, लेकिन एस डे हॉल पे पेट्रोल पंप देख रहे हो आप उधर ना, पेट्रोल पंप के सामने ये
होटल है, क्या कहते हैं, ब्लैक पेपर, यस ब्लैक पेपर रेस्टोरेंट है, ये यहीं पे लगाते हैं सुबह 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 ही सुबह लगाते हैं ना भैया आप बस। अच्छा दिन भर लगाते हैं, लेकिन सुबह सुबह आपको यहीं मिलेगी चाय, देहरादून में और कहीं चाय नहीं मिलती सुबह, वरना तो फिर मसूरी रोड पर जाना पड़ता आपको। चलो केक रस और चाय के मज़े लेते हैं और फिर से मिलते हैं। तो गाइस चाय और केक रस पापे चाय चौधरी सॉरी खा के अब निकल गए और हम चलते हैं घर को। भाई बहुत हो गया आज के लिए, काफ़ी है, ज़्यादा भी नहीं खाना है, नाश्ता ही करना है। ये तो भैया आप तो फूड ब्लॉगर बन गए, ऐसे थोड़ा होता है। चल रहे घर चुपचाप, घर चल के मम्मी के हाथ का कुछ खाएंगे, रियाज करेंगे, स्टूडियो साफ करेंगे और फिर से मिलेंगे। जय हो गाइस। सिग्नल तोड़ते हुए भैंसा जिंदा, इसका तो चलान भी नहीं होगा, चलान भी ना होने का इसका तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको, जोड़ता चल रहा है आयो, जो इतने सिग्नल तोड़ रखा जी दबा के, ये तोड़ दिया इनने, इसने भी तोड़ा सिग्नल, बढ़िया ये जोड़ता सिग्नल तोड़ रहा है, ये जोड़ते का चलान कटना चाहिए। घोड़ा ले लेता हूँ मैं भी सिग्नल तोड़ते हुए चलूँगा जोड़ते से, मैं जोड़ता और घोड़ा दोनों ले लेता हूँ, जोड़ता सिग्नल तोड़ ले आया तो साइड को तो वैसे ही है, अभी तो नहीं ले रहा, मुझे मेरे ऊपर चढ़ जाएगा फिर वो। तो गाइस सुहेल को कर चुके हैं हम बाय बाय, तो उसको थोड़ा सा लेट हो रहा था तो मैंने अपनी गाड़ी वापस उठाई डॉर्क और चल दिए जी घर की तरफ। ओहो बाल तो जो सेट ही ना हो रहे बिल्कुल। तो चलो अब चलते हैं घर, फिर देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया, थोड़ा बहुत खाते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट हम सिर्फ एक्सप्लोर करने गए थे कि सुबह सुबह क्या खुलता है। तो तीर तक भी हमारा तो भैया हो गया कि अब नहीं खा रहे इससे ज़्यादा, अब हो गया आज का। अब चलो चलते हैं, पहले थोड़ा मम्मी के पास देखेंगे खा के और फिर हाँ ये स्टूडियो साफ करेंगे थोड़ा सा, फिर मैं नहाऊंगा, फिर रियाज करूंगा, फिर मैम से देखते हैं जो भी हो रहा है आगे। प्रॉब्लम स्टे ट्यून्ड गाइस, पहुंच गए घर पे, अब थोड़ा नहाते धोते हैं क्योंकि अभी स्विमिंग पूल में दुनिया भर के लोग नहा रहे थे, वैसे हमने शावर तो ले लिया था लेकिन फिर भी चलो नहाते हैं और तैयार होते हैं पहले फटाफट, या तो पहले मैं अभी स्टूडियो साफ कर लेता हूँ फिर देखता है, ठीक है गाइस। स्मार्ट लग रहा है यार आज। चलो हेलो गाइस, और नोट किया अभी बच रहे हैं 6:30 और मैं जा रहा हूँ स्विमिंग क्लासेस, पूरी देखो आग भी नहीं खुल रही भाई। तो पहले आज सुहेल को फ़ोन किया मैंने उठते ही और फिर चले हम स्विमिंग क्लासेस, अब चलते हैं बजरंग बली। राम राम। ऐसे ही वीडियो बना रहे साले।